हेलो बच्चों, इट्स अनुराधा मैम हियर। लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। देखो, अब तक के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड थ्री फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब तक के दो वीडियो लेक्चर मैं बना चुकी हूँ, ये तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी रिमेनिंग टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो चौथा फीचर लेते हैं हम डेमोक्रेसी का, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इस फीचर में एग्जांपल लिया गया है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे को 1980 में वाइट माइनॉरिटी रूल से आज़ादी मिली थी। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जेएनयूपीएफ। इसके बाद कंट्री को जेएनयूपीएफ ने रूल किया। जेएनयूपीएफ कौन सी पार्टी थी? जिस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल में लीडिंग की थी, जो पार्टी लीड कर रही थी एट द टाइम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, उसी पार्टी ने यहाँ पर शासन किया। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगेबी, इस पार्टी का लीडर रॉबर्ट मुगेबी हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। यहाँ पर रॉबर्ट मुगेबी तभी से राज कर रहा है जब से आज़ादी मिली है। Elections have been held regularly and always won by JNUPF. यहाँ पर regularly elections करवाए जाते हैं और कौन सी पार्टी जीतती है? JNUPF. President Mugabe is popular. जो President Mugabe है वो बहुत popular है, but also uses unfair practices in election. लेकिन वो election जीतने के लिए unfair practices use करता है। Over the years, his government had changed the constitution several times. उसकी सरकार ने काफ़ी सालों से constitution में changes किए हैं to increase the power of president, जिससे उनके president की power बढ़ सके, and make him less accountable, और वो किसी भी काम को बिना किसी जवाबदेही के अपना काम कर सके। मतलब वो अकाउंटेबल क्या होता है? जवाबदेही। उसको आंसरेबल नहीं होना पड़े किसी भी काम को करने के लिए, किसी के लिए वो आंसरेबल ना हो। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड, जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स हैं उनको हैरेस किया जाता है, एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। डिसरप्टेड यानी उनकी जो मीटिंग होती है वो स्पॉइल कर दी जाती हैं और उनके साथ हैरेसमेंट किया जाता है। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी तरह का कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है तो उसको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया जाता है। देर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेजिडेंट। यहाँ पर प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए कुछ लिमिट्स बना रखी हैं, उससे आगे आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते। टेलीविज़न एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर टीवी और रेडियो पर जो भी प्रसारण किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज़ वर्जन, और वो सिर्फ वही बोलते हैं टीवी और रेडियो पर जो रूलिंग पार्टी के वर्जन होते हैं। मतलब जो रूलिंग पार्टी बोलती है वही वो बोलते हैं। क्लियर? देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हैरेसेस दो जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जो भी जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो गवर्नमेंट उसको हैरेसमेंट करती है। द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कोर्ट के जजमेंट को भी कई बार इग्नोर कर दिया है। दैट वेंट अगेंस्ट इट, जो इसके खिलाफ दिया गया था, इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो कोर्ट ने जजमेंट दी थी, गवर्नमेंट ने उसे भी इग्नोर कर दिया। एंड हैज़ प्रेशराइज्ड जजेस, और कई बार वो जजेस को भी प्रेशराइज करते हैं कि वो उनके फेवर में बोले। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। जो एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का, ये क्या दिखाता है कि अप्रूवल रूलर का ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, बट इट इज़ नॉट सफिशियंट, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, जो गवर्नमेंट पॉपुलर है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है।
पॉपुलर लीडर्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं। इफ़ वी विश टू एसेस अ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी को एसेस करते हैं, उसकी जांच करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इलेक्शंस को लुक करें, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। लेकिन ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्शन होने से पहले और इलेक्शन होने के बाद की सरकमस्टांसिस को भी हम लुक करें। There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in the period before elections. देखो, election होने से पहले यानी जो सरकार इस समय सत्ता में है उनके खिलाफ भी हम properly विरोध कर सके, इसके लिए sufficient room होने चाहिए। This requires that state should respect सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीज़न, इसलिए ये ज़रूरी है कि स्टेट को हर सिटीज़न के बेसिक राइट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, वो लोग फ्री होने चाहिए सोचने के लिए, टू हैव ओपिनियंस, अपने विचार देने के लिए, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, और पब्लिकली अपने विचारों को बोलने के लिए, टू फॉर्म एसोसिएशन, वो अपना संगठन बना सके उसके लिए फ्री होने चाहिए, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शंस, और अगर वो कोई दूसरे एक्शंस लेने चाहें, प्रोटेस्ट करना चाहें, तो इसमें भी उनको फ्रीडम मिलने चाहिए। एवरी वन शुड बी इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़रों में सब बराबर होने चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई एन इंडिपेंडेंट जूरी हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाई एवरीवन, ये जो भी इंडिपेंडेंट राइट्स हैं जुडिशियरी के ऑर्डर के द्वारा प्रोटेक्ट होने चाहिए, और जुडिशियरी के ऑर्डर को चाहे रूलिंग पार्टी हो या फिर अपोजिशन पार्टी हो, सभी को पालन करना चाहिए। वी शैल रेड मोर अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 6, हम चैप्टर 6 में ज़्यादा पढ़ेंगे इन राइट्स के बारे में। सिमिलरली देर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे ऑफ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शंस, इसी तरह से कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं उस गवर्नमेंट के ऊपर जो इलेक्शन के बाद जीती है और सरकार चलाने के लिए तैयार है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स, एक डेमोक्रेटिक सरकार सब कुछ वो नहीं कर सकती जो वो पसंद करती हो, सिंपली बिकॉज इट हैज़ वन द इलेक्शन, सिर्फ इसीलिए नहीं कि उसने इलेक्शन जीता है तो वो अपनी मनमानी कर सकती, ऐसा नहीं होता है डेमोक्रेसी में। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, उसको कुछ बेसिक रूल्स का रिस्पेक्ट करना पड़ता है। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज़ टू द माइनॉरिटीज़, उसको पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप होते हैं उनको गारंटी देनी होती है कि आपको हैरस नहीं किया जाएगा। इवन मेजर डिसीजंस हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज़ ऑफ कंसल्टेशंस, और अगर उसको कोई मेजर डिसीजन लेना है, कोई बड़े फैसले लेने हैं, तो सभी से विचार विमर्श करके ही फैसले लेने चाहिए। एवरी ऑफिस बेरर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन बाय द कंस्टिट्यूशन, हर ऑफिस बेरर के पास सर्टेन राइट्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कंस्टिट्यूशन ने उनको असाइन की है और जो लॉ ने उन्हें असाइन की है। ईच ऑफ दीज इज़ अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पब्लिक बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, हर एक कोई जवाबदेही होता है ना खाली पब्लिक को लेकिन उन इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स को भी जिनके लिए उनकी जिम्मेवारी बनती है। वी शैल रेड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, चैप्टर 5 में हम ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में। बोथ दीज एस्पेक्ट्स गिव इज़ द फोर्थ एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, अब फोर्थ और फाइनल फीचर डेमोक्रेसी का इन दोनों एस्पेक्ट्स से मिलता है। क्या क्या फीचर है हमारा? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हमेशा अपनी लिमिट में ही शासन करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन राइट्स ने सेट किए हैं।